हरिकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर शहर में घर घर से कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया में काफी सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने तथा इस अभियान को सफल बनाने में यहां के स्थानीय निवासियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इधर उधर कूड़ा फेंकने के बजाय नगर परिषद द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से ही इसका निष्पादन करें। हरिकेश मीणा ने कहा कि हमीरपुर शहर में घर घर से कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया में काफी सुधार देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाए रखने तथा इस अभियान को सफल बनाने में यहां के स्थानीय निवासियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे इधर उधर कूड़ा फेंकने के बजाय नगर परिषद द्वारा नामित व्यक्ति के माध्यम से ही इसका निष्पादन करें। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रति बार्ड कूड़ा उठाने वाले वाहनों की सूची तैयार करें और लोगों को इन गाड़ियों के आने जाने का समय तथा कूड़ा एकत्रीकरण के बारे में निरंतर सूचित व जागरूक करते रहें। उन्होंने कहा कि खुले में कूड़ा फेंकने वालों के चालान काटे जाएंगे और इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरे की सहायता से शख्स जुटाकर दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कूड़ा करकट एकत्र करने में तैनात वाहनों की कार्य प्रणाली को भी समुचित निगरानी की जाएगी और उपमंडलाधिकारी से आग्रह किया कि वे इसके लिए औचक निरीक्षण भी करें। उन्होंने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में 100 किलोग्राम से अधिक मात्रा में कूड़ा कचरा उत्पादित करने वाले निजी संस्थानों, व्यापारिक व अन्य प्रतिष्ठानों की सूची अपडेट करें और उनके द्वारा कचरा निष्पादन हेतु प्रयोग में लाई जा रही प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें। उन्हें इसके समुचित निपटान की बाध्यता के बारे में भी अवगत करवाएं। शहर में घरेलू भवनों के व्यावसायिक उपयोगों के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे ये सुनिश्चित करें कि यहाँ शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों से संबंधित संस्थान मानकों के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। उन्होंने पुलिस व शिक्षा विभाग से आग्रह किए कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि शहर के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर अवांछनीय गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए। इसी तरह की व्यवस्था अन्य स्थानों पर भी की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ कूड़ा कचरा खुले में फेंकने वाले तथा अन्य शरारती तत्वों की भी निगरानी की जा सके। बैठक में वन विहार वाटिका में हाई मास्क लगाने, पेयजल स्रोतों की साफ सफाई व मच्छरों इत्यादि की रोकथाम, दूध पनीर व अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, महिला थाना सहित अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन, अतिरिक्त उपायुक्त रतन गौतम, सहायक आयुक्त राजकिशन, उपमंडलाधिकारी डॉक्टर चिरंजी लाल सहित अन्य विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित थे। आज हमारी वीकली मीटिंग थी, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स के जो डिफरेंट इश्यूज थे जिसको हम मंडे मीटिंग बोलते हैं, उसमें प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड हैं। तो उसमें एमसी का इशू था स्वच्छता को लेके, जो डोर टू डोर कलेक्शन इन्होंने स्टार्ट किया है और जो डस्टबिन्स डिफरेंट प्लेसेस पे पहले रखे हुए थे उनको हटाया गया है और उसमें उसको किस तरह से प्रॉपरली हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकें उस चीज़ को रिव्यू किया गया था। और पिछले हफ्ते कुछ काफ़ी शिकायतें आई थी कि जहाँ से डस्टबिन हटाए गए वहाँ कचरा काफ़ी इकट्ठा हो रहा था, तो हमने कोशिश की थी वार्ड वाइज जो भी मशीनरी लगी हुई है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, जो और जो लेबर लगी उनकी डिटेल कलेक्ट करना और उनके अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना। तो आज उस चीज़ को भी रिव्यू किया गया था, सुधार है लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग प्लान बना रहे थे कि इसको लोगों को प्रॉपर पता रहे कि कितने बजे जो उसमें डोर टू डोर कलेक्ट करने वाला गाड़ी सहित जो लेबर उसमें स्वीपर्स आते हैं उनका टाइमिंग पता रहे और जैसे उसमें अनाउंसमेंट सिस्टम प्रॉपर तरीके से हो, सो 10-20 घर में जब जैसे 10-15 मिनट में आने का शेड्यूल रहें तो पता रहे कि जी गाड़ी आ रही है और इसको कचरे को हमें जो सेग्रीगेटेड कचरा हम डोर टू डोर का कोशिश करने हैं उसको वैसे डालें। कुछ इश्यूज़ ये थे कि कई जगह ट्रैक्टर ट्रॉली लग रहे हैं, कई जगह पिकअप लग रही है, कई जगह बंद गाड़ी लग रही है, तो उसको यूनिफॉर्म टे लाने के लिए मैंने एसटीएम को भी बोला है कि स्पोर्ट इंस्पेक्शन और जहाँ से कचरा इकट्ठा करके ले जा रहे हैं जो डंप सेग्रीगेशन यार्ड हैं और जहाँ साइट है डंप करने की उस पर भी आज इंस्पेक्ट करने के लिए बोला था आफ्टरनून में, तो उसको भी देखते हैं कि वहाँ वो किस तरह से उसका डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, किस तरह से मैनेजमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ को लेके आज चला था। दूसरा हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिफरेंट वार्ड्स में जो रिहायशी मकान कितने हैं, कॉमर्शियल किस तरह से चल रहे हैं, वेदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर कॉमर्शियल ढाबे हैं या बोर्डिंग स्कूल्स है या पीजीज है, जो भी है उनका एक प्रॉपर तरीके से
डाटा हो, और दूसरा जैसे कई बल्क वेस्ट जनरेटर होते हैं हमारे, जो उसको हम डिफाइन करते हैं 100 kg से ज़्यादा अगर पर डे कचरा जनरेट कर रहे हैं तो उनको आइडेंटिफाई करना है। अगर वो इस तरीके से बल्क जनरेटर है, वेस्ट जनरेटर, तो उनको किस तरीके से कचरा डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मेडिकल कॉलेज का कचरा डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो वी आर चार्जिंग अ लोड फ्रॉम देम, मे बी अदर इंस्टीट्यूशन लाइक मेडिकल कॉलेज जिनके पास काफ़ी ज़्यादा कचरा निकलते हैं, तो वो अपना कचरा किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। उन चीज़ों को लेके जॉइंटली एडमिनिस्ट्रेशन भी एमसी को हेल्प करेगा उस, क्योंकि ये टास्क थोड़ा बड़ा है बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और उसके लिए हम लोग थोड़ा सा प्लान को बना के जनता को बता रहे हैं कि इस तरह से एमसी का प्लान है, तो उस हिसाब से फिर उसको एग्जीक्यूशन बेटर रहता है।